नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत को लेकर भले ही खूब चर्चा चल रही हो, बीजेपी में बड़ा बदलाव प्रदेश अध्यक्ष का हो गया, लेकिन इन दिनों बिहार के आला अधिकारियों को लेकर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ी हुई है। आपको मालूम होगा, बीते दिन तेज तरार आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को भेज दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, जो बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे थे। हाल में उनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी, लेकिन उनके ऊपर रेप का भी आरोप लगा था। पटना के रूपसपुर थाने में केस दर्ज हुआ था और आज पटना हाई कोर्ट ने उस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को जेल जाने से बचा लिया, उस केस को ही खत्म करने का आदेश दे दिया है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा आज सुबह में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की भी बैठक हुई, जिसमें 36 फैसलों पर मुहर लगी और उसमें बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए एक बड़ी योजना पर सहमति जताई गई, जिसके तहत जो भी व्यक्ति अवैध खनन के बारे में जानकारी देगा, उसे जो सरकार है वो अपने तरफ से उपहार के तौर पर कुछ रकम कैश में देगी। अब बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा तो शुरू करते हैं संजीव हंस को लेकर। कई दिनों से चर्चा में छिड़े रहे, सरकार ने उनसे पद भी ले लिया, लेकिन आज पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गाना है कि हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, ये कि कलयुग की ये महिमा है, तो वही इसमें भी देखने में मिल रहा है। ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल समझ से परे है। प्रथम दृष्टया, हालांकि अभी वो पूरा फैसला अपलोड नहीं हुआ है, वो संभवतः कल अपलोड हो जाए तब पता चलेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन किया गया केस, मगर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इसमें उलझन भरा फैसला है और इसका लाभ मिल रहा है पीड़िता, जो पीड़ित जो आरोपी है, अभियुक्त है, उसको इस फैसले से लाभ मिलता दिख रहा है सीधा सीधा। और मजेदार बात यह है कि कोर्ट ने ही आदेश देकर एफआईआर करवाया। पहले वो पीड़िता गई थी थाने में, थाने ने केस नहीं लिया, फिर वो दानापुर अनुमंडल कोर्ट में गई, कोर्ट केस दबा कर बैठ गया, फिर उसके बाद वो पीड़िता आई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने अनुमंडल न्यायालय को आदेश दिया कि इस पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला दें, तब कोर्ट ने अनुमंडल न्यायालय ने फैसला दिया, आदेश दिया थाना को केस दर्ज करने का। केस दर्ज हुआ, जांच हुई, पुलिस ने इंक्वायरी की। आम आदमी होता तो जैसे रेप का केस दर्ज होता तुरंत पुलिस जाती, डांड में रस्सा लगा के ले आके जेल भेज देती, मगर चूंकि ये आईएएस हैं और सबसे ताकतवर लॉबी वो मानी जाती है आईएएस प्रशासनिक तंत्र की, तो इसलिए उनके मामले में प्रायर जांच हुई और जांच भी हुई, तो ये जांच करके पुलिस ने 2023 में फाइनल रिपोर्ट दे दी, सौंप दी और उसमें ट्रू किया कि ये आरोप सही है और पीड़िता के साथ सचमुच रेप हुआ है। अच्छा, ये और ये एसएसपी की रिपोर्ट। अच्छा, पटना एसएसपी की, कोई थाना प्रभारी या सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट नहीं थी। 2023 में एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट फिर दबी रही और इधर जब फिर मामला उछला तब वो रिपोर्ट सामने आई। एक साल तक वो रिपोर्ट दबा के किसने रखा ये अलग जाँच का विषय है, और क्यों दबा के रखा। फिर उसके बाद वो चले गए संजीव हंस, फिर पटना हाई कोर्ट गए कि इस केस को, इस केस में गुलाब यादव का भी नाम है, पूर्व विधायक, हाँ उनका भी नाम है, और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी संजीव हंस के, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर वो गए कि ये एफआईआर जो है ये गलत है, इसको
खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तो कोर्ट ने सुनवाई करके और आज उसका फैसला आया कि ये क्वेश कर दिया जाए, केस गलत तरीके से दर्ज हुआ है इसलिए इसको खत्म। पीड़िता के वकील ने कहा कि मुझे एक मिनट में फैसला सुना दिया गया। हाँ, तो वो तो लिखित फैसला होता है, सिर्फ पढ़ के बता दिया गया, वो 30 या 34 पेज का फैसला है, वो फैसला फिर जब आया। इसमें रविरंजन, नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक न्यायिक मतलब बितंडा है, ये घटना हुई, पुलिस मान रही है कि ये आरोप सही है, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ और दोनों ने किया, गुलाब यादव और संजीव हंस ने, ये SSP की रिपोर्ट कहती है। अब कोर्ट कहता है कि वो गलत तरीके से FIR हुआ, मान लीजिए FIR गलत तरीके से हुआ मगर घटना तो हुई, अब किसी की हत्या हो जाए और उसकी FIR गलत तरीके से दर्ज हो जाए, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो हत्या नहीं हुई, वो जुर्म नहीं हुआ? तो ये बड़ा सवाल है और कोर्ट ने सबको उलझन में डाल दिया है, और ये कैसा फैसला है ये समझ से परे है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। रविरंजन जी को भी जोड़ेंगे, जिस तरीके से ये कोर्ट ने फैसला दिया है, यकीन करने लायक है, मानने लायक है, संतोषजनक आपको लगता है? देखिए, वही एक बात और है कि समर्थ को नहीं दोष घोषा, माने जो समर्थवान लोग हैं उनका कोई दोष नहीं होता। तो संजीव हंस जो है अभी हाल के दिनों में जब वो केस में फंस गए और उन पर ED का जब छापा पड़ा तो ये चर्चा बहुत जोरों पर चली कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और उन पर कार्रवाई हो, नीतीश कुमार पर नकेल कसने के लिए IAS को निशाना बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को अपनी बैसाखी पर चला रहे हैं, इसका भी इसकी भी चर्चा हुई। तो अब जो है नीतीश कुमार एन प्रागरण किसी भी तरह से उनको बचाने की कोशिश करेंगे, ये भी चर्चा है। अच्छा, और ये जो जब महिला ने जब ये आरोप लगाया उसने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि DNA टेस्ट कराइए, उनका जो बच्चा है वो बच्चा संजीव हंस का है या विधायक का है ये पता चल जाएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का है, और उनके नौकर पर भी आरोप है, केस है। अब वो DNA टेस्ट तो नहीं हुआ, और इसमें ऐसा ही एक केस के मामले में गवर्नर थे, देश के बड़े कद्दावर नेता थे KK तिवारी, उन पर महिला ने आरोप लगाया, नारायण दत्त तिवारी ND तिवारी, वो उस महिला के केस में DNA टेस्ट हुआ और वो महिला जीती, उस लड़के को अधिकार मिला, बाद में नारायण दत्त तिवारी खुद ही तैयार हो गए कि हाँ ये है हमारा बेटा है। तो इस मामले में जब अभी ED का, मैंने 4-5 दिन पहले ED ने जब पूछताछ के लिए उस महिला को बुलाया और इसमें चर्चा हुई कि लेन देन में, पैसों के लेन देन में वो महिला भी शामिल है या उसके थ्रू पैसा लिया गया या उसके पास जमा किया गया, माने इन दोनों ने, मैं विधायक ने भी, पूर्व विधायक ने भी और संजीव हंस ने भी जो पैसों की उगाही की इधर उधर से, उसमें एक हिस्सा महिला को भी मिला, ये ED की जाँच में ये है। अब अचानक ये फैसला हो गया कि केस ही गलत है, रेप नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, जब SSP कह रहे हैं कि रेप हुआ तो कोर्ट कह रहा है रेप नहीं हुआ। भाई आप तो थाने की केस डायरी देखकर ही ना आप फैसला सुनाएंगे, आप फैसला जो पढ़ते हैं और जो जांच करते हैं उसमें आपने क्या देखा? जब पुलिस कह रही है कि ये रेप हुआ, फिर आपके पास क्या साक्ष्य है? वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से केस दर्ज हुआ, गलत तरीके से केस दर्ज हुआ, तो एक फिर दूसरा केस करना चाहिए, मतलब सही तरीके से आदेश दीजिए, आप ही के जांच तो होनी चाहिए। हाँ, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, कोर्ट के ही आदेश से जब केस दर्ज हुआ तो अब कोर्ट थाने को फिर से कहे कि ये गलत तरीके से केस हुआ है, आप दूसरे तरीके से दर्ज करिए, तब साफ होगा कि क्या मसला है। लेकिन जब जिस किसी को, इसीलिए कहा कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, जब उनको बचाने की कोशिश में सरकार लग जाएगी तो फांसी की सजा पाए हुए आनंद मोहन को बचा लिया गया, कानून में बदलाव कर दिया गया, तो इसीलिए ये लोग समर्थवान लोग हैं, इनकी मनमानी चलेगी, ये जो चाहेंगे वही करेंगे और इनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माना जाए कि एक बड़ा वर्ग संजीव हंस को बचाने में लगा हुआ है, एक बड़ी लॉबी और बड़ी ताकत इसमें लगी हुई थी, इस वजह से इस तरीके का फैसला आया है, शुरू से हो रहा है इस केस में, शुरू से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख लीजिए कि पुलिस ने 1 साल पहले रिपोर्ट दी, वो दबा कर रख रही, ED ने रेड किया और क्या न क्या संपत्ति अवैध बरामद। सबसे बड़ी बात है कि जब जांच शुरू हुई इस रेप की, उसी दौरान इस प्रकार के
अवैध लेन देन का पता चला और उसी के बाद ये ईडी ने इसमें अपनी एंट्री शुरू की। बिल्कुल, और ईडी ने 95 करोड़ का फार्म हाउस पकड़ा होगा चंडीगढ़ में, उसके अलावा कई कारें, कई घड़ियां बेशकीमती पे, बहुत महंगी महंगी घड़ियां ला, ये तो ईडी को घुसना ही नहीं दे रहे थे घर में। हाँ, दरवाजा तोड़ के ईडी को घुसना पड़ा। तो जो अधिकारी इतना भ्रष्ट हो, इतना कुकर्मी हो, उसको बचाने के लिए तमाम तरह की ताकतें अलग अलग क्षेत्र की सक्रिय हो गई हैं। और ये न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जो अपराधी है, जो मुजरिम है, जिसने क्राइम किया है, वो सजा पाएगा या बच के निकल जाएगा। ये एक चुनौती है और ये लिटमस टेस्ट है ये संजीव हंस का केस, क्योंकि पहले भी न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठते रहे, मगर ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें ये भी माना जाए कि कई और जो सफेदपोश हैं उनके नाम भी आ सकते हैं, इस वजह से भी इस प्रकार के दबाव और इस प्रकार का हो सकते हैं। और जो ईडी ने जिनको एक गवाह को बुलाया था, जो संजीव हंस के बहुत करीबी मित्र हैं सिन्हा जी, तो उनको बुलाया था, उन्होंने सारी बातें बताई, फिर मीडिया से भी उन्होंने सारा खिस्सा सुनाया और कहा कि कैसे 5 करोड़ का लेन देन हुआ, उस महिला को दिया गया 5 करोड़ संजीव हंस की ओर से जमा करके। तो ये सब बातें प्रमाणित हो गई, अवैध संबंध की बात प्रमाणित हो गई और पैसे का लेन देन, अवैध कमाई, वो स्मार्ट मीटर से हुई कमाई, ये सब प्रमाणित हो गया। मतलब गवाहों ने बयान दे दिया, संपत्ति बरामद हो गई, आय से अधिक संपत्ति, और उसके बावजूद वो उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो बना हुआ। जब बहुत फजीहत होने लगी तब उसको हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया, यानी वेटिंग फॉर पोस्टिंग, अब वहाँ बैठे रहिए, तनख्वाह पाते रहिए। तो ये तो दिखता है कि ये पक्षपात हो रहा है, बचाने की कोशिश हो रही है, कोई ताकत, मजबूत ताकत लगी हुई है। अब क्या निकल गया, केस तो खत्म हो गया, हाईकोर्ट के फैसले से केस तो खत्म नहीं, अभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। वो महिला लड़ने वाली है और वो जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट, ऊपर के कोर्ट में भी जाएगी, और जो वकील हैं दीनू प्रसाद, वो भी कह रहे हैं कि हम केस ऊपर ले जाएंगे। अब फिर सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या उस पर फैसला देता है। चलिए, अब इस पर तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिस प्रकार से आईएएस संजीव हंस कटघरे में खड़े थे, लेकिन आज उनके लिए राहत भरी खबर पटना हाईकोर्ट से आ गई, जब उन पर रेप का जो मुकदमा है उसे खारिज करने का फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट या आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी के मामले में वो अभी भी शिकंजे में है, फंसे हुए हैं, अब उसमें भी क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी ये भी देखा जाएगा। लेकिन देखिए, आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, जिसमें पीएमसीएच में 4,315 पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली, और साथ ही साथ बिहार में जो बालू का अवैध खनन होता है उसे रोकने की योजना पर भी मुहर लगाया गया और उसके लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात सामने आई है। यानी कि जो कोई भी इस अवैध खनन के बारे में जानकारी देगा उसे सरकार ट्रैक्टर का अगर जानकारी है तो 5,000 रुपए और ट्रक की जानकारी देता है तो 10,000 रुपए अगर सफल छापेमारी हो गई तब देगी। तो अवैध खनन को लेकर तो बिहार में माफियाओं का अलग एक राज चलता है जिसमें पुलिस के भी हाथ नहीं चलते, उन्हें भी लाठी गोली खानी पड़ती है, और सरकार का जो ये प्रोत्साहन राशि है कितना कामयाब होगा? नहीं, कामयाब क्या होगा, लोगों की जान जोखिम में डालेंगे कुछ। अच्छा। लोग पैसों के लालच में जाएंगे और वहां पर मारे जाएंगे। बालू माफिया मैंने पुल पर से दरोगा को ढकेल सकता है नीचे, जो नीचे गिर के मर गए, मैंने दरोगा की उंगली काट सकता है, कई बार पुलिस पर हमला कर मैंने गोली चला सकता है। एक बार तो मनु महाराज लाओ लश्कर के साथ सोन के दियारे में गए थे, उनको लौट के आना पड़ा था। तो पुलिस जहां नहीं पहुंच सकती है वहां लोगों को कह रहे हैं कि जाकर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाएगा और मर देगा उसको कौन मुआवजा देगा और क्या करेगा। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये अब लोगों को एक प्रलोभन दे रही है कि आप लोग भी इसमें जूझिए, लड़िए, और अगर वीडियो मिल गया तो 5,000 रुपया लोग, इस 5,000 रुपया के लिए लोग जान जोखिम में डालेंगे और जाएंगे वहां पर जाके खतरा मोल लेंगे। सोन के दियारे में यहां से वहां तक, मैंने आप देखिए कि किस दिन गोली नहीं चलती है इस इलाके में, कोइलवर के आसपास गोली चल जाती है और दो गुट मैंने दबंग जो आपस में ही
भिड़ जाते हैं बालू खनन के लिए, 1 किलोमीटर का ठीका है और 4 किलोमीटर पे वो खनन कर रहा है। इसके अलावा पुल पुलिया के नीचे अभी हाल के दिनों में आप देखें नदियों में डूबकर मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे क्या है? अवैध खनन है। जेसीबी मशीन ले जाते हैं, जहां मन वहां से मिट्टी काट लेते हैं और तट के किनारे से काट लेते हैं, जहां अचानक गड्ढा, लोग नहाने जाते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं और मर जाते हैं। ये हाल के दिनों में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, नदियों में लोग डूब रहे हैं। तो सरकार अपना जो उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है और बालू माफिया खास तौर पर सरकार पर भारी पड़ रहा है। शराब माफिया, बालू माफिया, ये दोनों। अब उसके अलावा भूमि सुधार विभाग में भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, न तो सर्किल अफसर पर कोई कार्रवाई होती है, न हल्का कर्मचारी जो होता है उस पर कोई कर्मचारी कोई कार्रवाई होती है। तो सरकार लोगों को कह रही है कि आप वीडियो बना के भेजिए, अब वीडियो बनाएगा वो उसको मार देगा, सरकार बचाएगी उसको? ये लालच देके लोगों का जान जोखिम में डाल रही है सरकार, इसका कोई लाभ मतलब जिस तरह से रवि रंजन जी कह रही है, माना जाए कि सरकार जब खुद फेल हो गई तो उसने आम व्यक्तियों पर जिम्मेदारी डाल दी। बिल्कुल, ये तो प्रशासन ने अपनी विफलता मान ली है कि हम उसको रोकने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए वो जनता से सहयोग मांग रही है। वो ये समझ गई है कि पुलिस इसको रोकने में नाकाम है और पुलिस की मिली भगत से खुदाई हो रही है, तो इसलिए वो जनता का सहयोग मांग रही है कि जनता सूचना दे कि कहाँ से अवैध बालू खनन हो रहा है, दो नंबर जारी कर दिए और उसके बाद नंबर जो जारी किया उस पर वो सूचना दें और तब उसके बाद स्पेशल कोई टास्क फोर्स वगैरह उसके लिए हो सकता है गठित हो और वो वहाँ कार्रवाई करेगा, रेड करेगा, फोर्स को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हाँ, अच्छा, उस फोर्स को भी देंगे लोग। मतलब कि पुलिस का हाल ऐसा है कि उन्हीं से उन्हीं का काम करवाने के लिए प्रोत्साहन राशि। ये पूरा पूरी शासन की और पुलिस व्यवस्था की फेल्योर की कहानी है और उसको उसको लीपापोती करने के लिए ये योजना लाई गई है कि जनता जो है सो वो सूचना दे, जनता सूचना दे यानी पुलिसिंग करे जनता है। बिहार में तो कहा जाता है कि बालू माफिया का हाथ डालिए आपका सरकार नहीं टिकेगा। सही बात है, बालू माफिया कोई छुप के और चोरी छिपे थोड़ी कोई काम कर रहा है, वो तो खुलेआम दिन दहाड़े जाता है, बालू उठाता है और चलाता है और NH पर और सब गाड़ियां लगी रहती है, कतार गाड़ियां बिहटा में चले जाइए, रोज जाम लगा रहता है, मगर किसी की हिम्मत है कि उस ओर आंख उठा के देख ले? ताक भी नहीं सकते पुलिस वाले, ये स्थिति। तो फिर इस योजना को लाने का क्या मतलब है? एक कहने के लिए कि हम बहुत सक्रिय हैं और चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, अपराध के खिलाफ मुहिम है सरकार की, ये भाषण देने में ये सब बनता है चीज तो पॉइंट स्कोर करने के लिए कि साहब हम देखिए बहुत सक्रिय हैं और आप लोग भी मदद कीजिए, सरकार के हाथ मजबूत कीजिए, अपराधियों के खिलाफ सूचना दीजिए। और रवि जी जो कह रहे थे कल मारे जाइए, आज सरकार से पैसा लीजिए सूचना के मतलब, कल अपराधी आपको गोली देगा। अभी एक दो दिन पहले की घटना है, मुजफ्फरपुर में एक युवती के साथ रेप हुआ, जांच पड़ताल हुई, सब हुआ, उसके बाद कोर्ट में केस चलने लगा, उसकी गवाही होनी थी अगले दिन और उसके ठीक एक दिन पहले रात में घर में घुस के उसको गोली मार दिया। अच्छा, तो ये कि उसकी गवाही नहीं हो और मर गई बेचारी युवती। तो ये हाल है अपराधियों का और ये हाल है न्यायपालिका का कि वो पीड़िता को और जो गवाह हैं उनको सुरक्षा और संरक्षा नहीं दे पा रही है, तो कैसे आम आदमी सहयोग करेगा? आम आदमी तो चाहता है कि अपराध कम हो, अपराधी पकड़े जाएं, जेल में जाएं, मगर वो जेल में जाते हैं और जेल से ही गैंग ऑपरेट करते हैं। एक बेऊर जेल में लगना था वो जैमर कि भीतर से वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मोबाइल, मगर वो 10 साल से मैं सुनता रहा हूँ कि जैमर लगेगा और आज तक नहीं लगा जैमर, और जब रेड होता है तब 10-5 सिम और मोबाइल वहाँ पकड़े जाते हैं। तो अपराधियों के लिए तो ऐशगाह और स्वर्गाह बन गया है जेल, वहीं से बैठ के वो अपराध करते हैं, उन पर केस भी नहीं होगा कि हम तो भाई आप ही के कस्टडी में, सरकार के कस्टडी में। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है और सरकार उसके आगे पूरी तरह बेवस और लाचार दिखती है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ IAS अधिकारी को आज राहत मिल गई, दूसरी तरफ सरकार की प्रोत्साहन राशि वाली योजना और बीते दिन तेज तरह IPS अधिकारी काम्या मिश्रा का इस्तीफा। बिहार की राजनीति को लेकर हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो आला अधिकारियों को लेकर
चर्चाओं का बाजार गर्म है उस प्रकार, और उसमें से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, किस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं और वो क्या प्रभाव छोड़ने वाली है, इसका अंदाजा लगा पाना ही कठिन है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।